14 नंबर देखो जब काता है इसमें बिंदु है एक माइनस एक तीन से रेखा इतना पर एगो लंब डाला गया है ना, समझ में आ गया ना। बिंदु माइनस एक तीन से रेखा इतना पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब लंब तो डाले हो ना, जिस बिंदु पर लंब डाला उस बिंदु का निर्देशांक हमसे पूछा गया है। तो पहले मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर है 14 नंबर का सवाल है, एक बिंदु है माइनस एक कमा थ्री है, नाम दे देते हैं पी इसका। तो पी माइनस लेट पी कोऑर्डिनेट माइनस एक कमा थ्री एंड उसके बाद दिया है क्वेश्चन में 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0 पर डाले ये लंब पाथ। यहाँ से क्या किए हो, एक लंब डाले हो और ये इसका इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है 3x है ना, माइनस एक थ्री से रेखा इतना पर डाले गए लंब पाथ की, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर, यानी कि हमको इस बिंदु का क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। बताओ कैसे निकलेगा, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, एक चीज तो यहाँ से ये निकल जाएगा कि दोनों का स्लोप गुणनफल माइनस वन होगा। दूसरा बात ये है, ठीक है स्लोप गुणनफल माइनस वन कर देंगे, सिर्फ इसका निकलेगा स्लोप, इसका स्लोप तो माइनस एक कमा तीन है, तो वहाँ से निकला कि स्लोप इसका भी निकल जाएगा। मान लो क्यू है, इसका नियामक क्या मान लिया, एक्स कमा वाई मान लिया, नहीं यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक चीज हो सकती है यहाँ से, क्या चीज हो सकती है, इस क्यू का निकालना है नियामक, क्यू का नियामक और ये रेखा मान लो ए बी रेखा है, तो ए बी रेखा परपेंडिकुलर बी क्यू रेखा है, ए बी का समीकरण पता है ना, ए बी का समीकरण पता है, ए बी का स्लोप पता चल जाएगा, और जैसे ए बी का पता स्लोप चल गया माइनस वन बटे ए बी का स्लोप बराबर पी क्यू का स्लोप, अब पी क्यू का स्लोप पता चल गया, यदि स्लोप पता चल गया ये बिंदु से गुजर रहा है इसका समीकरण निकल जाएगा, और इसका समीकरण चूंकि निकल गया और इसका समीकरण पता है, इसका समीकरण भी पता है, इसका समीकरण पता है, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्भर निकालने के लिए दोनों के समीकरण को सॉल्व करके निकाल लेते हैं, सवाल सॉल्व हो गया। तो पहले तो निकालना पड़ेगा स्लोप है ना, ए बी का स्लोप, नहीं नहीं ऐसे मत स्लोप निकालो, समीकरण एक से, समीकरण कहाँ से, एक से, एक से 3x माइनस 4y माइनस y बराबर एम एक्स प्लस सिंह ढाल दो इसको, माइनस 4y बराबर माइनस 3x प्लस 16 y बराबर होगा माइनस माइनस चला गया 3 बटे 4x और 4 चौके 16 बटे 4 हाँ, इसीलिए y बराबर निकल गया 3/4x-4 m बराबर 3, इसीलिए m1 बराबर 3/4, यानी कि ये किसका स्लोप निकल गया, ab का स्लोप 1 बराबर निकल गया माइनस 3/4, इसीलिए pq चूंकि इसीलिए pq का स्लोप माइनस 1/ क्या होगा 3/4, इसको m2 मान लेते हैं, m2 बराबर क्या होगा माइनस 4/3, समझ में आ गया बात कैसे, कि दोनों ग्रंथ में माइनस 1 होगा ना, yes, तो बट्टा मिला देंगे तो निकल जाएगा, m2 का स्लोप पता है। अब चलो पीक इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ क्या निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ से पी क्यू का इक्वेशन निकाल लेंगे, अभी स्लोप पता है कि सुन रहा है, वाई माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन गुना करो 3y माइनस 3 * 9 माइनस 4x, सारा थ्योरी होना चाहिए ध्यान में, तो फिर नहीं बनेगा, तो पता नहीं चलेगा कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं, इधर आया प्लस 3 इधर आया तो माइनस 5 बराबर 0 निकल गया इक्वेशन, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इससे बिंदु का नियामक निकल जाएगा, दो गो रेखा प्रतिच्छेद करती है बिंदु क्यू पर, तो उन दोनों को सॉल्व करो तो प्रतिच्छेद बिंदु का नियामक निकलती है, समझ में आ गया ना। एक में क्या है देखो, यहाँ से 3 है, यहाँ भी क्या है, लेकिन हाँ यहाँ 4 है, तो समीकरण क्या करेगा, एक में गुना कर देगा इसके अपोजिट से, 4 से गुना करेगा ना, एक में 4 से घटा देगा, समीकरण 2 में किससे गुना कर देगा, इसके इतना जल्दी से अगला ले 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 लो, यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो इसमें गुना करेगा किससे, 4 से गुना करेगा, 4 * 12 = 16 - 16 = 64
बराबर जीरो, इसमें बोलो इसमें तीन से तो चार किया बारह एक्स प्लस तीन किया नौ वाई माइनस पाँच सौ के बीस बराबर घटाए हो ना माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया सोलह नौ चाहे तीन से पाँच या पंद्रह तीन से अच्छा पंद्रह होगा यहाँ से पाँच या पंद्रह तो सोलह नौ कते होगा पच्चीस हो गया जोड़ो इसको तो माइनस उसके बाद चौदह में से पाँच गया नौ यही होगा जी उनचास यहाँ एक चला गया तो यहाँ पाँच में से गया उनचास बराबर जीरो इसीलिए वाई बराबर माइनस उनचास बटे क्या निकलेगा यहाँ से पच्चीस निकल गया अब वाई बराबर निकल चुका है किसी में धर दो क्या निकल जाएगा एक से चलो किसी से समीकरण कहाँ चलते हैं हम लोग एक से चलते हैं एक से चलो धरो थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस चार गुना उनचास बटे क्या होगा तो प्लस में होगा माइनस सोलह बराबर जीरो पे चला जल्दी से अब देखो यहाँ से क्या होगा तो यहाँ से हम लोग करेंगे देखो वाई का मान है माइनस दस बटे पच्चीस एक से चलेगा तो थ्री एक्स बराबर उधर ले जाओ इसको सोलह होगा ना उधर के इधर जाएगा तो माइनस फोर गुना उनचास बटे क्या होगा पच्चीस गुना सोलह कितना होता है पच्चीस गुना सोलह चार सौ पच्चीस चौका सौ चार सौ चार सौ होगा सही बोल रहा है गलत करेगा तो आंसर नहीं मिलेंगे तो छत्तीस के छः आंसर बचल तीन चार चौके सोलह छः तीन नौ एक ठीक है ना इतना होगा ना बटे पच्चीस थ्री एक्स बराबर हाँ ठीक अब घटा इसको दस में से छः गया चार एक रह गया तो दो बटे पच्चीस कटेगा ये कोनो नहीं ये तीन से कटेगा ये तीन से क्या मारते हो अड़सठ नहीं नहीं कटेगा तो बोला कटेगा नहीं कटेगा ना तो दो सौ चौदह बटे कटे होगा पच्चीस दिया पचहत्तर इतना है आंसर नहीं है तब गलती तो गुना भाग करवाया है हमसे यहाँ पे घटाने में गलती की है दो सौ चार होगा दो सौ चार होगा तो हो गया दो सौ चार अब होगा अड़सठ कैसे कटेगा तब अड़सठ हाँ अड़सठ हो गया तो इसीलिए एक्स बराबर क्या निकलेगा यहाँ से अड़सठ अड़सठ बटे पच्चीस सब बात हम सही किए हैं इसीलिए अभीष्ट बिंदु क्या होगा अभीष्ट बिंदु एक्स को निकल गया अड़सठ बटे क्या निकला पच्चीस पच्चीस माइनस उनचास ठीक है ना वो निकला माइनस उनचास बटे पच्चीस पच्चीस चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम ला फटाफट नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से कहता है कि मूल बिंदु से रेखा इतना पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु माइनस एक दो पर मिलती है एम और सी के मान ज्ञात कीजिए मूल बिंदु से एक ई रेखा है इस पर क्या 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 गया है लंब डाला गया है क्वेश्चन नंबर क्या नंबर है पंद्रह है ना ई रेखा समीकरण है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का प्रूफ जबकि डायग्राम इसी प्रकार से बना था इस पर क्या किए हैं हम लोग मूल बिंदु से रेखा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी पर लंब डाला लंब रेखा से मूल बिंदु से मूल बिंदु यहाँ ओरिजिन कोऑर्डिनेट है गया ठीक है यहाँ से मूल बिंदु से रेखा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी पर डाला गया लंब एगो लंब डाला गए हैं लंब डाला गया लंब रेखा इतना से माइनस एक दो पर मिलता है अच्छा माइनस एक दो ये मान लेते हैं तो यहाँ आकर के लंब मिल जाएगा क्वेश्चन में मान लिया ये पी कोऑर्डिनेट माइनस एक कमा दो पर मिलती है एम और सी का मान ज्ञात कीजिए किसका किसका मान निकालना है एम और सी का मान ज्ञात करना है तो बता कैसे बनेगा एम और सी का मान निकालना है तो पहला बात ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगी एम का मान और किसका मान निकालना है सी का मान निकालना है क्योंकि ये रेखा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी पर माइनस एक का मान दो है तो इसको सेटिस्फाई करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से एक्स वाई का मान देगा तो एम और सी में संबंध आएगा यानी कि एम सी का मान नहीं निकलेगा यानी कि तुमको एम सी का मान निकालने के लिए उसमें निकलना और चाहिए तभी मान निकलेगा एम सी वरना निकलेगा नहीं एक चीज़ हमको निकल यदि हाँ यदि एम और सी में किसी एक का मान पुट कर दे तो दूसरा का मान निकल जाएगा अच्छा एम का मान निकाल सकते हो कैसे यहाँ से लंब डाले गए हो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप माइनस वन होगा इसका जो स्लोप होगा माइनस वन टू से जीरो जीरो से गुजर रही है तो पी ओ का स्लोप निकाल लेंगे और माइनस एक बटा कर देंगे इसका स्लोप निकल गया जब इसका स्लोप निकल गया तो एम का मान फूट कर देंगे तो इसका स्लोप पता चल गया और सी का फूट करके निकाल लेंगे आंसर हो गया सॉल्व समझ में आ रहा है कैसे कैसे है लिंक जुड़ा हुआ गरजोरू सवाल है न तो हम लोग क्या करेंगे ओ पी का स्लोप पता करेंगे हम लोग ओ पी का स्लोप बराबर वाई नियामक के अंतर बटा एक्स नियमक के अंतर वाई नियामक के अंतर दो माइनस जीरो दो माइनस वाई नियामक के अंतर बटा एक्स नियमक के अंतर तीन निकल गया माइनस टू इसीलिए मान लिया एम वन बराबर क्या मान लिया हम लोग यहाँ से माइनस टू निकाल लिया इसीलिए रेखा रेखा वाई बराबर
एम एक्स प्लस सी का स्लोप वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का स्लोप माइनस एक बटे माइनस टू, माइनस माइनस कट गया तो वन बटे टू, यानी कि इसको हम लोग एम है तो यहाँ एम ए रहने दो, वन बटे टू निकल गया इसका स्लोप निकला, क्योंकि रेखा इसको ठीक है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी पर बिंदु कौन है बताओ माइनस एक कमा दो है तो सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए माइनस पुट करो माइनस एक पुट करो वाई बराबर टू पुट करो, टू बराबर वन बाई टू गुना एक्स का मान माइनस वन प्लस सी, यहाँ से सी का मान निकल जाएगा ये कट गया तो माइनस टू इधर हुआ तो प्लस टू, दो दिना चार एक, दो दिना चार एक पाँच बटे दो, सी बराबर निकल गया पाँच बटे दो आंसर है एम बराबर, देखो गुना भाग नहीं समझ में आएगा तो तू कर लेना अपना, यही आंसर निकला पेज लाओ अगला फटाफट, सी बराबर पाँच बटे दो एम बराबर एक बटे दो, पेज लाओ पेज बनाओ मिलाते रहना सब बैठ करके, देखो यहाँ से यदि P और Q कर्मशः मूल बिंदु से रेखा इतना और इतना पर लंब डाले गए हैं तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर के स्क्वायर है, पी और क्यू, पी और क्यू कर्मशः मूल बिंदु से एगो रेखा पर लंब डाला, पी और क्यू क्या है मूल बिंदु से रेखा इतना और इतना पर लंब की लंबाइयाँ हैं, अच्छा मूल बिंदु से P और Q मूल बिंदु से ई रेखा पर लंब डाला गया है, जैसे देखो क्वेश्चन में क्या कहा फिगर समझ में आया, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 16 होगा, ये मान लो ओरिजिन है मूल बिंदु है, यहाँ से लंब डाला गया एक रेखा पर, फिर यहाँ से मूल बिंदु ओरिजिन है, ओरिजिन है ना जो भी अपना है ओरिजिन, ओ नियामक मान लेते हैं ओ नियामक, यहाँ से लंब डाला गया एक रेखा पर, तो पहला मान लो इसका लंबाई पी है, इसका लंबाई यहाँ से यहाँ लंबा कितना लंबा दूरी है पी है, और ये कितना दूरी लंबा है यहाँ से यहाँ तक क्यू है, अच्छा पी और क्यू कर्मशः मूल बिंदु से इस रेखा का समीकरण दे दिया है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर के कॉस टू थीटा, पी और क्यू कर्मशः मूल बिंदु से रेखा इतना जिन की पी इसके लिए है और क्यू के लिए है, इसका समीकरण दिया है एक्स लम डाला गया है तो 90 डिग्री लम डाला गया, क्या डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, एक्स सेक थीटा एस ई सी सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा बराबर क्या होगा समीकरण नंबर, इसको एक इसको क्या कह देते हैं हम लोग, इसको एक इसको दो कह देते हैं लम की लंबाई, सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर बराबर किया, पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर बराबर किया, यानी कि पी क्यू मान निकाल लेते हैं, एल एच एस हमको प्रूव करना है पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर बराबर क्या प्रूव करना है के स्क्वायर, पी और क्यू पे यदि मान निकाल लेते हैं किसी तरीका से जोड़ कर सकते के स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग आसानी से, नहीं पी क्यू मान निकाल पी क्यू कैसे निकलेगा मूल बिंदु से यहाँ पर लंब डाला गया है, डाला गया है ना डाला गया है ना, तो बोलो पी बराबर क्या होगा, यहाँ से पी बराबर लंब की लंबाई क्या होगा, बिंदु एक बिंदु एक्स वन एक्स वन वाई वन से रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पर लंब डा बराबर जीरो, ऐसी रेखा होती है ना इस पर लंब डालते हो तो लंब डाले हो तो लंब की लंबाई क्या होती है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस इसका वर्ड चढ़ा देते हो, यही पढ़ा है ना जी, यही ना पढ़ा है तो ठीक है, तो हम लोग प्लस पॉजिटिव लेके चलेंगे, लंबाई है तो हम लोग प्लस लेके चलेंगे, रूट में होती है ये बात, तो यहाँ ओरिजिन से लंब डाला गया है, ओरिजिन से लंब डाला गया एक्स क्या पुट करेगा जीरो, तो हिमालय जीरो जीरो पुट किया जीरो खत्म, बराबर क्या है के कॉस थीटा है ना, इसको इधर ला लो इधर ला लोगे तो यहाँ से तब क्या हो जाएगा ये माइनस के माइनस के कॉस टू थीटा, और निजाम क्या होगा ए एस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के रूट, सूत्र में मोड भी था, हाँ मोड भी था सूत्र में मोड भी था, मोड ले लेते हैं हम लोग, वैसे भी नहीं ले लेंगे तो प्लस नहीं रहेगा, और बोलो के कॉस थीटा के कॉस टू थीटा अब बटे कॉस अक्टर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एक बोलो, इसीलिए पी बराबर बोलो यहाँ क्या निकलेगा के कॉस टू थीटा प्लेटफॉर्म नंबर एक, फिर इसी प्रकार से बोलो की बराबर लम डाले गए हो जीरो जीरो खत्म इधर लाएगा तो ये क्या होगा माइनस के, हाँ तो एक पहले एक चीज़ कर लो, एक चीज़ यहाँ कर लो पहले, चलो समीकरण नंबर कहाँ से चलेंगे हम लोग, समीकरण नंबर कहाँ से चलेंगे हम लोग दूसरे चलेंगे एक्स सेक थीटा प्लस वाई, यही सब बनाने के लिए पिछला चाहिए ध्यान में, हम मान के नहीं तुमको सब आता है बराबर के है नहीं मन चल रहा है मानना पड़ेगा ना, इतना सही प्रूफ त्रूफ सब दिन रात तो निपटा कर अगला चैप्टर शुरू कर देंगे, उसमें चैप्टर हिंच देंगे आज एक्स से थीटा प्लस वाई से थीटा,
एक्स बटा क्या होगा ये कॉस थीटा और प्लस वाई बटा ये क्या होगा साइन थीटा बराबर एक एलसीएम लेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बराबर के साइन थीटा दोनों तरफ दो से मल्टीप्लाई कर दो से मल्टीप्लाई करेगा ना तो टू एक्स क्या होगा यहाँ से साइन थीटा प्लस टू वाई यहाँ से क्या होगा कॉस थीटा और बराबर टू साइन भेजला जल्दी से भेजला जल्दी लगा नहीं पेड़ उधर ही है यहाँ से के होगा साइन टू पेड़ का ये ओ पहलू का पेड़ का एक अत्यंत पेड़ का अरे पेड़ थोड़े मारे पेड़ में क्या वो सवाल इसका बचा है दो ठो है तुरंत खींच लेंगे तो भी दो ठो को वही पार वाला समय हाँ अभी बहुत समय है अभी तो हम लोग खिचड़ी पका के धर देंगे चैप्टर का आज हाँ मार धार काट एक्शन से भरपूर तो इसको रेस्ट जो तो इसको मान लो समीकरण नंबर क्या मान लो इसको तीन कुछ भी कह दो तो इसी रेखा का समीकरण ये है यहाँ से लाम डाला गया है तो की बराबर यहाँ से क्या होगा की बराबर निकालेगा तो जीरो पुट करेगा तो जीरो जीरो इधर लाएगा तो माइनस के साइन टू थीटा होगा और यहाँ पर क्या होगा टू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस टू कॉस थीटा का स्क्वायर अंडर रूट मोड सूत्र में था कि नहीं था यस सर मोड था ना मोड में था तो यहाँ से निकलेगा के साइन टू थीटा दो दुना चार साइन स्क्वायर थीटा और प्लस चार कॉस स्क्वायर थीटा चार कॉल सेम तो दो बाहर एक हो गया यानी कि की बराबर कितना निकल गया एक समीकरण नंबर इसको क्या मान लेते हैं हम लोग अच्छा एक समीकरण एक कहे थे इसको समीकरण नंबर ए मान लो समीकरण नंबर क्या मान लो इसको समीकरण नंबर क्या मान लो बी है ना नौ अब चलो एल एच एस बराबर क्या प्रूफ करना था जल्दी बोलो मुंह बंद किया हुआ दिखता नहीं लिखा है वहां पर है पी स्क्वायर बोल भी नहीं रहे हो क्या प्रूफ करना पी का मान बोलो इधर लो फिर इनको नहीं होता है पी का मान देखो यहाँ के कॉस टू थीटा लिखा है के कॉस टू थीटा का स्क्वायर प्लस फोर बाहर है क्यू का मान के साइन टू थीटा बाय टू का क्या होगा स्क्वायर होगा यहाँ से हटाओ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा ये चला गया यानी कि के स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा हाँ तो के स्क्वायर कॉमन लेगा तो गुना एक हो गया इसीलिए पी स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर कितना प्रूफ हो गया इतना स्क्वायर प्रूफ लाओ कहाँ गया सवाल अगला क्या नंबर सवाल बताएंगे 17 नंबर सवाल सत्रह नंबर में कहता है शीर्ष ए बी सी से वाले त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया लंब की लंबाई तथा समीकरण ज्ञात कीजिए एगो त्रिभुज है फ्रॉम क्वेश्चन गिवेन डाटा प्रश्न से क्या कहा है ए नियामक कहा है 2.3 है ना बी नियामक कहा है 4.-1 एंड सी नियामक कहा है 1.2 एगो त्रिभुज है ए बी सी एगो क्या है त्रिभुज है ए बी सी ए का नियामक है 2.3 बी का नियामक है 4.-1 सी का नियामक है 1.2 ए से लंब डाला गया है परपेंडिकुलर है नए नियामक पता है पी मान लेते हैं निकालनी है हमको है तो शीर्ष ए बी सी वाले त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा यानी कि बी सी को लंब डाला गया है लंब की लंबाई ए पी बराबर व्हाट ए पी बराबर व्हाट तथा इक्वेशन ऑफ ए पी बराबर व्हाट ए पी का इक्वेशन निकालना है ध्यान देने वाली बात है हमको इस बिंदु का नियामक निकालना है इससे पहले तू कर चुके हो सवाल इस प्रकार के इसलिए नहीं बनाएंगे सवाल को हम फिर से इस सवाल को हम बना चुके हैं एक बिंदु था उस पर लंब डाले गए हैं ये दिया था इसका समीकरण निकाले थे और सब चीज़ निकाल बिंदु के निर्देशांक भी निकाले थे ना सिर्फ क्या करना है सवाल को देखो तो पहले बी सी का स्लोप निकाल लेना बी सी का स्लोप निकल जाएगा तो मैंने इससे कट उतना ए बी का स्लोप ए पी का स्लोप होगा तो ए पी का स्लोप निकाल लेगा ए पी का स्लोप क्या हुआ है निकल चुका है तो ए पी का इक्वेशन निकल जाएगा पॉइंट स्लोप लगा देना इक्वेशन पता चल चुका है ए पी का इसका क्या पता चल चुका है इक्वेशन पता चल चुका है ए पी का क्या निकाल लिया अब क्या करेगा इक्वेशन निकाल लिया है ना तो इक्वेशन हाँ तो एक क्वेश्चन सोल्व हो गया तुम्हारा ये क्वेश्चन क्या हुआ अब बी सी का निकाल लेना समीकरण बी सी का समीकरण निकल जाएगा तो ए से लम डाल इस पर तो बिंदु को देर के निकाल लेना अभी तो सब बढ़ाए हो कई वाला सवाल नेक्स्ट पेज लाओ अगला सवाल बताते हैं खाली हटाते जा
क्वेश्चन नंबर 18, यदि मूल बिंदु पी से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षर काटे अंतःखंड ए बी हो तो दिखाइए कि वन व्यत नंबर 18 नंबर सवाल देखो, जो एक्स एक्सिस पर अंतःखंड वाई एक्सिस पर अंतःखंड काटा है, ये काटा है ए अंतःखंड, समझ जाएंगे ना, और ये काटा है बी अंतःखंड, एगो ए अंतःखंड है, एगो क्या अंतःखंड है, बी अंतःखंड है। तो इसका समीकरण निकल गया यहाँ से तुमको एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर एक, नहीं तो अंतःखंड रूप में, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर क्या होता है एक। मूल बिंदु यदि पी मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो, यहाँ से लंब डाला गया है, इसकी लंबाई कितना है, पी है, ये 90 डिग्री है, जिस पर अक्षों पर काटे अंतःखंड ए और बी हो, एक्स अक्ष पर ए और बी वाई अक्ष पर बी, दिखाइए कि 1/p² बराबर 1/ दिखाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b² लाना है, समझ में आ गया ना। इतना बात क्वेश्चन में कहा है, मूल बिंदु डाला गया है तो ये अपना क्या ओरिजिन होगा, इसका समीकरण ये है ना, समीकरण एक से चलो, समीकरण कहाँ से, एक से चलो, एक से चलेगा तो एक्स बट ए प्लस वाई बट बी बराबर एक है, गुना करो तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बराबर क्या होगा, जीरो निकल गया। तो इस रेखा का निकला समीकरण ये समीकरण, इसको हम लोग दो कह देते हैं, इसका समीकरण निकला, यहाँ से मूल बिंदु लंब डाले हो पी, तो बोलो इसीलिए पी बराबर क्या होगा, यहाँ से पी बराबर क्या होगा, बिंदु पुट करेगा तो ये जो ये जीरो जीरो माइनस ए बी, अब बटे में क्या होगा यहाँ से बोलो, अरे बोल कह रहे हो माइनस बी बटे एस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा ए स्क्वायर के रूट मोड में होगा, पी बराबर बोलो ए बी ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, इतना होगा ना है, दोनों तरह वर्क कर देते हो, पी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, टंगरी उल्टा दो, 1/p² बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1/p² बराबर ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो 1/b² अब ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 1/ क्या होगा ए स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट 1/ प्रूफ हो गया 1/a² प्लस 1/ सवाला चैप्टर है, अगला चैप्टर नहीं पढ़ेगा तब फिर पापर वाला पापर सर्किल पढ़ेंगे, वृत्त क्षेत्रफल का कह दो एक बार, वृत्त क्षेत्रफल।